When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember? ये मेरे लाइफ के सबसे ज्यादा प्यारा सबसे बेस्ट मोमेंट थे। उस टाइम मैं क्या फील कर रही थी और मोनिश क्या फील कर रहा था, ये शायद हम दोनों को छोड़ के कोई और फील नहीं कर सकता है। तो आई हैड अ परफेक्ट रोमांटिक ब्यूटिफुल एंगेजमेंट और यू कैन से रिंग सेरेमनी पार्टी। पर ये इतना परफेक्ट रिंग सेरेमनी पार्टी का प्लान हमने बहुत पहले से किया था, तो चलो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो भाई की शादी के संगीत फंक्शन में मोनिश ने किया मुझे प्रपोज, और मैं जो प्रपोज करने वाली थी उसका प्लान कर दिया चौपट। एंड उसके बाद हमारा रिंग सेरेमनी का डेट हुआ फिक्स। तो प्रपोजल वाली वीडियो नहीं देखे तो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। तो नवंबर के बाद दिसंबर में मैं गई थी बड़ा बाजार। मैं अपना ड्रेस खुद बनाना चाहती थी, तो इसलिए मैंने बहुत सारे चीज़ें ऑनलाइन, मैंने बहुत फोटोज़ यू नो स्क्रीनशॉट लेके रखे थे। तो मैं ढूंढ रही थी वाइट पैचेस, जो कि मेरे को मिल नहीं रहा था। बहुत परेशान होने के बाद फाइनली मुझे बड़ा बाज़ार के और अंदर जाने के बाद मुझे मिला बहुत ही प्यारा प्यारा वाइट पैचेस। एंड वाइट पैचेस मिलने के बाद मेरे को लेना था वाइट कलर का कपड़ा, जो कि बहुत ईजीली मैंने नेट और शर्ट इन का कपड़ा लिया, वो तो मुझे बहुत आसानी से मिल गया, वो भी बहुत ही कम कॉस्ट में मेरे को मिला था। उसके बाद पैचेस के ऊपर लगाने के लिए छोटा छोटा फ्लावर्स एंड जो मोती होता है वो सब भी मैंने ले लिया। उसके बाद मैं गई अपना ज्वेलरी लेने। मैं क्राउन मेरे को मिल नहीं रहा था, ये क्राउन मैंने लिया नहीं था, मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। एंड मैंने अपना ड्रेस का डिज़ाइन भी खुद अपने हाथों से बनाया था। और उसके बाद मैं गई टेलर के पास, मैंने टेलर को समझाया, सारा कपड़ा दिया, और बहुत समझाने के बाद मैंने खुद अपने हाथों से कटिंग भी करके दिया कि ऐसा बनाओ इसको, बस अब सिल दो। अब जब तक ये कपड़ा बन रहा था तब तक मैंने ये सब पैचेस को थोड़ा धोना पड़ा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। फिर जब पैचेस सूख गया उसके ऊपर मैंने पूरा का पूरा एक एक फूल मोती अपने हाथों से सुई और धागे से ये मैंने लगाया था, और इसका फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह हुआ। ऐसे धीरे धीरे एक एक पैचेस करके अब मेरे कपड़े में जितने सारे पैचेस थे सारा का सारा मैंने हाथों से खुद बनाया। अभी मैं जा रही हूँ मेरे रिंग सेरेमनी के व्हाइट प्रिंसेस गाउन लेने। I'm excited. फिर महीने बाद मेरे को मिला मेरा ड्रेस, जो कि मैंने बनने को दिया था। फिर मैंने पहन के देखा, इट वाज ओके, इट वाज गुड, बट मेरे को फिटिंग नहीं हुआ था, तो वो मैंने वहाँ से कराया नहीं। और मेरे को बैक जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं आया था, तो मैं सोचा क्यों ना मैं ही इसको ठीक करूँ, क्योंकि मैं टेलर को समझाते समझाते और मेरे को टाइम लग जाए। इतने बड़े ड्रेस को कहाँ रखूँ, तो मैं इसको ऐसे लटका के रखी थी ताकि इसमें धूल ना पड़े। अब जो मैंने पैचेस बनाया था उसको इसमें सेट करने की बारी थी, तो एक एक करके मैं पहले ड्रेस को ऐसे लगा के मैं एक एक करके सिल रही थी। बट इससे मेरा काफ़ी कमर दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने इसको नीचे एकदम बेडशीट फैला के इसको सिलना शुरू किया। फिर ड्रेस जो थोड़ा सा ढीला था उसको मैंने सिलाई मशीन से मैंने अपने बॉडी शेप के हिसाब से सिल लिया। पहले तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि कैसे करूँ, कौन सा डिज़ाइन वहाँ पर अच्छा लगेगा, बट धीरे धीरे एक बहुत ही प्यारा ड्रेस बनने लगा। मैं ज़्यादातर काम प्लास्टिक सुई एंड धागे से कर रही थी, बट कुछ कुछ चीज़ें मैंने ग्लू गन का भी इस्तेमाल किया, और नीचे प्लेट रख के मैंने ऐसे पैचेस को चिपका रही थी। और ये बहुत ज़्यादा इजी हो रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी ये करने में, बहुत ईजिली ये उड़ भी जा रहा था प्लेट से, बस थोड़ा सा आपको फोर्स लगाना पड़ रहा था और ये पूरा फिक्स होके प्लेट से उड़ भी जा रहा था। सो नाउ यू कैन सी पूरा इधर मेरा चेस्ट वाला पोर्शन पूरा रेडी हो चुका है। मेरे को थोड़ा सा और वर्क बाकी है, जो कि मैं थोड़ा बहुत लगाऊंगी। ये है ये छोटा छोटा फूल। ये लग जाने के बाद मैंने किया अपने बैग, जो मेरा का डबल कर दिया था उन्होंने नेट, उसने उसको मैंने काट के सिंगल नेट किया, और उसमें जो बटन्स किया था उसका जो फंसने वाला जगह था वो बहुत गंदा लग रहा था, उसको मैंने काट लिया और उसमें लगा दिया मैंने हुक। और जब मैं पहनी थी तब मैंने इसको सिल दिया था एकदम परफेक्टली।
ड्रेस तो हो गया रेडी, अब आते हैं कार्ड पे। ये कार्ड मैंने खुद डिजाइन किया था अपने फोन में और फिर इसको मैंने प्रिंट करने दिया, पर जो प्रिंटर वाला था वो बहुत ही गंदा प्रिंट किया था, तो मैंने फिर मुझे दूसरे जगह प्रिंट कराने दिया और तब बना था एक परफेक्टली कार्ड। एक पेपर में चार कार्ड था तो उसको काट के मैंने अलग अलग किया एंड उसके बाद मैंने एक हैंडमेड पेपर से उसको फोल्ड करके उसमें एकदम रॉ जो रस्सी है उसको बांधा, उसमें एक फ्लावर दिया और ग्लू गन से चिपका दिया और ये रहा मेरा हैंडमेड कार्ड रेडी फॉर रिंग सेरेमनी। ड्रेस और कार्ड तो हो गया, अब आता है मेरे वेल की बारी। तो ये वाले क्लिप में मैंने कपड़े को गोल गोल घुमा के धसा लिया एंड उसके बाद मैंने जो मेरा लंबा सा वेल होगा उसको ये क्लिप के साथ मुझे अटैच करना है, जो कि मैंने सुई धागा से किया था। अब आती है वेल में ये मोती लगाने की बारी, जो कि मैंने ग्लू गन से लगा दिया था और जो एंड था उसको भी मैंने एक लंबा सा बीट लगाया था। मेरे हाथों का हालत बहुत ख़राब था, बहुत ग्लू लग रही थी, पर जो वेल लास्ट में बना इट वॉज परफेक्ट। तो आज व्लॉग है, हम लोग जा रहे हैं मेरे रिंग सेरेमनी का कार्ड दे। फाइनली ये दिन आ चुका है कि हम लोग कार्ड दे और बस 10-15 दिन बाकी है और मैंने ये कार्ड खुद से बनाया है। ये इसका बैक है और ये इसका फ्रंट है, तो व्लॉग एंजॉय करो। अभी आज से हम लोग कार्ड देना शुरू कर रहे हैं और 2-4 फ्रेंड्स को मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो एक एक करके हमने सारे के सारे रिलेटिव्स के घर गए और दिए। बहुत सारे वीडियोस नहीं ले पाए हैं, 2-4 ही वीडियो मैंने लिया है, तो बाकी सारा प्रोसेस का मैंने शॉर्ट्स भी मैं बना के दूंगी, तो शॉर्ट्स जरूर फॉलो करना। उसके बाद एक दिन हम लोग गए यहाँ पे केक ऑर्डर देने और केक ऑर्डर देने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था डांस प्रैक्टिस, क्योंकि फंक्शन में डांस भी होगी तो सब कोई डांस प्रैक्टिस कर रहे थे। मेरे भी सोलो डांस थे, मैंने भी प्रैक्टिस कर रही थी बहुत ज़्यादा। एंड उसके बाद मैंने इतना सब कुछ तो बना ही लिया खुद से, तो रिंग ट्रे कैसे भूले। तो ये रिंग ट्रे जो कि मैं वाइट एंड ब्लू के थीम पे बनाऊँ, क्योंकि हमारा जो ड्रेस कोड है वो भी वाइट एंड ब्लू में है। उस दिन मेरी दोस्त भी आई थी और बात करते करते मैं और रितु कितना जल्दी ये रिंग ट्रे बना लिया है। और मैंने जो भाई के शादी में रिंग ट्रे बनाया था उसका भी कुछ कुछ चीज़ें मैंने रीयूज़ किया है और उससे ग्लू गन के हेल्प से बहुत सारे लेस फ्लावर्स जो कि मैं बड़ा बाजार से लिया था वो सब मैं एक एक करके ज्वाइन करके बनाया। तो हियर इज द फाइनल लुक, मेरे को कमेंट में बताओ कैसा बना है। सात दिन बाकी है, ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है रेडी और आज मैं आई हूँ प्रिंट कराने फ्लेक्स, जो कि वेलकम गेट में रहेगा। और देख सकते हो ये प्रिंटर की जगह है। मैंने ये वाला चीज़ अपने फ़ोन में एडिट किया था, जो मैंने भैया को दिया और भैया यहाँ पे ये मशीन से मेरे को प्रिंट करके देगा। नाउ यू कैन सी ये बड़ा है कितना मशीन, और ये हो रहा है प्रिंट और सच में प्रिंट बहुत अच्छा आ रहा है। कलर मेरे को लगा था पता नहीं कैसा होगा एंड उसके बाद इसको मैंने फ्रेम से बंधवा भी लिया और ये रहेगा मेन एंट्रेंस के सामने। मैं इसको हाथ में लेके जा रही हूँ ऐसे। मैं स्कूटी लेके आई थी, स्कूटी लेके मैं आई और मैं इसको लेके कैसे जाऊँ, इसलिए फिर मैं घर गई, फिर मैं स्कूटी रखा और फिर अभी चल चल के जा रहे हैं। लोग मुझे ऐसे देखेगा, ऐसे सब जान पहचान के है मेरे इलाके में ही है। और मैं उस दिन बहुत ज़्यादा डांस प्रैक्टिस किया ताकि मेरा परफॉर्मेंस जो होगा वो एकदम परफेक्ट हो। और मेरे बाकी फ्रेंड ग्रुप भी आ रहे थे एंड थैंक्स टू माय फ्रेंड्स यार, वो लोग अपना घर बच्चे सब को छोड़ के मेरे रिंग सेरेमनी के लिए बहुत ही डेडिकेटली ये लोग डांस उठाए थे और परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया हुआ था। 5 दिन बाकी है और हम लोग आए हैं बैंक्वेट में फाइनल बात करने, थोड़ा बहुत इंक्वायरी। घर से जो लोग भी आने वाले थे और मेरे फ्रेंड्स जो लोग बाहर से आने वाले थे उनके लिए भी वेलकम गिफ्ट हमने रेडी किया है ये छोटे से बैग में, जो कि मैंने अपने हाथों से ही बनाया था। एंड मैंने बाकी सारे सामान थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह एंड वेलकम कार्ड जो कि मैंने इन बैग में दिया था। ये मेहनत 2 महीने का है जो कि मैंने 8-9 मिनट में दिखाई बस, तो बहुत ज़्यादा मेहनत किया है मैं अपने रिंग सेरेमनी को परफेक्ट बनाने के लिए। तो आप लोग ये व्लॉग को बहुत सारा प्यार दिखाओ और कमेंट में #बारिश ज़रूर लिखना, वर्षा का BAR एंड मोनिश का ISH। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया व्लॉग आने वाला है, तो डिनर में सेट। और जानना है कि नहीं कि मैंने मोनिश को क्या दिया और मोनिश ने मेरे को क्या गिफ्ट दिया, सो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर बजा देना। मेरे और मोनिश के रिंग सेरेमनी के फोटोज आपको अगर अभी देख रहा है तो जाओ मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, बाय बाय।